Hello everyone, welcome back to A Smart Academy. First of all, I am hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. So, let us begin with today's current affairs. First news is, PM Modi inaugurates Asia's largest solar power project, Rewa Solar Power Project in Madhya Pradesh. So, सबसे बड़ा power project कहाँ पे कुछ तैयार हो रहा है? रेवा सोलर प्रोजेक्ट जिसका नाम है मध्य प्रदेश में पीएम मोदी ने जो इनॉग्रेट किया है. इसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट अल्ट्रा सोलर पावर प्लांट. कितने जमीन पे होगा ये? 1590 एकड़ पे. ठीक है, तो इसके तीन यूनिट्स रहेंगे 250 मेगावाट के. ठीक है, राइट. तो ये इसका है, हमें क्या याद रखना है, कितने मेगावाट का ये है, कहाँ पे ये हुआ, ठीक है, इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ, मध्य प्रदेश, और इसका नाम क्या है. मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल. चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान. ईजल इंक एग्रीमेंट विद नोएडा अथॉरिटी टू इंस्टॉल ईवी चार्जिंग यूनिट्स एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर. नोएडा का मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी. ठीक है, इतना ईजल ने, ईजल यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ. क्यों? तो इंस्टॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन. ठीक है, ईवी चार्जिंग स्टेशन को इंस्टॉल करने के लिए. ठीक है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को की यूसेज को प्रमोट करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है. ठीक है, इसके द्वारा अजय ए के त्यागी के द्वारा और जनरल मैनेजर जो है नोएडा अथॉरिटी के अमित कौशिक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ईजल के. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ रितु महेश्वरी जो है सीईओ नोएडा अथॉरिटी की. ठीक है, चलो, ईजल के चेयरमैन है राजीव शर्मा और मैनेजिंग डायरेक्टर है सौरभ कुमार. हेडक्वार्टर से न्यू दिल्ली में. न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन है आलोक टंडन और हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में. ठीक है, तो जो है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसने कहा है कि हमारा 5 साल में हमारा मीन एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो 1.5 डिग्री तक राइज हो जाएगा. ठीक है, राइज हो जाएगा कितने तक? 1.5 डिग्री, जो कि होता है 2.7 फारेनहाइट के बराबर. कितना? 2.7 फारेनहाइट. ठीक है, चलो, बस यही इस रिपोर्ट में था कि इतना हमारा टेम्परेचर जो है राइज हो जाएगा, राइट. तो WMO के सेक्रेटरी जनरल है पैटेरी तालास और हेडक्वार्टर से जेनेवा में. मेंबर्स कितनी कंट्रीज हैं? 187 मेंबर स्टेट्स हैं और 6 मेंबर्स टेरिटरीज हैं. EDB ने कतर बेस्ड EAA दैट इज एजुकेशनल अबव ऑल फाउंडेशन के साथ एक जो है जॉइंटली काम कर रहा है. क्यों? प्राइमरी एजुकेशन प्रोजेक्ट वर्थ $100 मिलियन को प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, कितने का होगा ये? वर्थ कितनी होगी? $100 मिलियन. ठीक है, 5 एग्रीमेंट रहेंगे ये इन दोनों के बीच जिनका होगा हमारे पास $100 वर्थ. ठीक है, टू पुट एटलीस्ट 3.2 लाख आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग रिफ्यूजीज एंड इंटरनली डिस्प्लेस चिल्ड्रन इनटू इक्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन. 3.2 लाख हमारे जो स्कूल चिल्ड्रन हैं उनको प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसमें रिफ्यूजीज या कोई भी जो भी स्कूल नहीं जाता है वो इंक्लूड रहेंगे. किस किस के बीच हुआ है ये? ADB के बीच हुआ है और कतर बेस्ड जो फाउंडेशन है EAA दैट इज एजुकेशन अबव ऑल के बीच. ADB के हेडक्वार्टर से फिलीपींस में. प्रेजिडेंट है मातासा को असकावा. 68 मेंबर्स कंट्रीज है. EAA के लोकेशन है दोहा कतर में. चेयरमैन है शिखा मोजा बिन नसर. IRDAI ने 5 लाख कैप जो है रिमूव कर दी है जो इसमें सम इंश्योर्ड रहता था आरोग्य संजीवनी पॉलिसीज में. ठीक है, कब? COVID-19 के तहत. पहले इसकी जो कैप लिमिट थी, अपर लिमिट, वो थी 5 लाख. अब इसमें अपर लिमिट रिमूव कर दी गई है और पहले इसमें आपकी जो मिनिमम जो लिमिट थी वो थी आपकी, कितनी थी आपकी? वो 1 लाख थी. 1 लाख थी, हाँ, ठीक है, 1 लाख थी. ठीक है, और ये भी अब कम करके कितनी रख दी है? 50,000. ठीक है, इसको 50,000 करके कम कर दिया है विद नो अपर लिमिट. ठीक है, तो आरोग्य संजीवनी के द्वारा जो सम इंश्योर्ड किया जाता था. ठीक है, IRDA के हेडक्वार्टर से हैदराबाद. चेयरमैन है सुभाष चंद्र घुंटिया. मास्टर कार्ड ने इन्वेस्ट कर रहा है 250 करोड़ रुपए टू सपोर्ट
स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन इंडिया अमिड कोविड-19 क्राइसिस। ठीक है, तो मास्टर कार्ड दे रहा है 250 करोड़ SMEs को कोविड-19 क्राइसिस के दौरान। ठीक है, कौन दे रहा है मास्टर कार्ड, कितना दे रहा है, 250, किसको दे रहा है, SMEs को। ठीक है, मास्टर कार्ड के हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट्स में। CEO है अजीव बंगा अभी, लेकिन 2021 में हमने अभी पीछे ही 2-3 दिन पहले न्यूज पढ़ी थी कि माइकल माइबैक इनको रिप्लेस करेंगे। नादौन पुलिस स्टेशन जो कि हमीरपुर में स्थित है, ठीक है, उसको मिला है वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया पुलिस स्टेशन। ठीक है, अमित शाह ने जो है रिपोर्ट प्रिपेयर की है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री से आई है कि नादौन पुलिस स्टेशन ऑफ हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज रैंक्ड वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हमारे अमित शाह, स्टेट के लिए है जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, चीफ मिनिस्टर गवर्नर है बंदरू दत्तात्रेय, कैपिटल है शिमला, समर और विंटर के हैं धर्मशाला। जो ये एनुअल पुलिस रिपोर्ट है आपकी, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, दो स्टेज की ये प्रोसेस होती है। पहला होता है शॉर्ट लिस्टिंग द पुलिस स्टेशन, थ्री स्टेशन आर सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स हैविंग मोर देन 750 पुलिस स्टेशन। दो स्टेशन किए जाते हैं अदर स्टेट से और दिल्ली से और यूनियन टेरिटरी से, एक एक किया जाता है। सर्वे इज बेस्ड ऑन द नोट ऑन परफॉर्मेंस मेजरमेंट्स विच इंक्लूड्स क्राइम प्रिवेंशन एंड प्रोएक्टिव मेजर्स, एग्जीक्यूशन, डिस्पोजल ऑफ केसेस, लॉज एंड ऑर्डर्स। तो जो बेस्ट परफॉर्मिंग होता है वो प्रॉपर्टी ऑफेंस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वीकर सेक्शन पे डिपेंड करती है। सेबी रिस्ट्रक्चर्स एडवाइजरी कमेटी टू ऑन म्यूचुअल फंड्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उषा थरूर। तो म्यूचुअल फंड्स के लिए एक एडवाइजरी कमेटी जारी की है सेबी ने, जिसको हेड करेंगी उषा थरूर। ठीक है, तो 20 मेंबर की कमेटी रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेबी के द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है, क्यों म्यूचुअल फंड्स के लिए, चेयरमैनशिप किसकी रहेगी, उषा थरूर, कितनी मेंबर की कमेटी है, 20। ठीक है, सेबी के हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है अजय त्यागी। मणिपुर के गयांद्रयू निगोम्बाम को एक हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट, ऑफिसिएटिंग प्रेसिडेंट चुना है मोहम्मद मस्ताक ने, अहमद ने रिजाइन किया है। ठीक है, तो हॉकी इंडिया के कौन बने हैं ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट, गयानेन्द्रो निगोम्बा निगोम बाम। ठीक, कहाँ के ये, मणिपुर के। ठीक, हॉकी इंडिया के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, सेक्रेटरी जनरल राजेंद्र सिंह। तो ये थी आज की आपके पास न्यूज, आई होप यू लाइक द सेशन, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो।